आपको फोटो खिंचवानी है, आपको फोटो खिंचवानी है। ओ हेलो, अभी तक की जर्नी का सबसे जबरदस्त व्यू यही है भाई साहब। वाह जी वाह, क्या मस्त व्यू है भाई साहब। क्या खाया जाए नया? मुझे तो कुछ लाइट खाना है। लाइट खाना है, ये री लाइट खा ले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, हम लोग कसोली आए हुए हैं, कसोली। और अभी 7 बजे हैं और बड़ा कंफर्टेबल स्टे था यहाँ पे, बहुत मस्त होटल है। अभी क्या है फिलहाल प्लान हमारा? फिलहाल प्लान तो कुछ नहीं, यहाँ पे बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। रात को भी हम 12 बज गया था, हमें लेट हो गए थे। एपिसोड में वो मंदिर था, देखो मंदिर, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, मंकी पॉइंट, मंकी पॉइंट वो सकते हैं। और भाई कितना सुंदर होटल, बहुत अच्छी है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ बैठे थे, पहले यहाँ बैठे थे, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, फिर हम उधर गए। क्योंकि यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये जो एरिया है यहाँ पे सीधी हवा लगती है, वैली में साथ चाय पीने का मजा ही लग रहा है, चाय टेस्टी भी लग रही है। तो भाई ये था होटल जिसमें हम रुके हुए थे, होटल मार्बल वैली। और ये गार्डन था, यहाँ पे हम बैठे थे रात को। और ये बच्चों के झूले, और वो जो एरिया है वो है वो रेस्टोरेंट है। सुंदर लग रहा है भाई देखने में, और काफी खुली प्रॉपर्टी है, देखो पार्किंग बहुत बड़ी है। और देखो यहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर आता है, और धूप भी आती है जो कि सबसे जरूरी है फिलहाल। तो ये रहा देखो, वाह जी वाह, एक चीज दिखाऊं। देखो एक चीज दिखाता हूँ, ये मैंने पहली बार देखा, ये दिखा बिलो 10 ईयर्स, हम जैसे बंदों के चढ़ने के लिए नहीं ये। और ये भी ये मैंने पहली बार देखा, क्या मस्त लोन एरिया। इधर जाएं, ऊपर वाली साइड चलते हैं, जाओ थोड़ा ऊपर चलते हैं। मुझे लगा यार कुछ नहीं, सुबह सुबह बनता है यार, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, फ्रेश एयर लेके आते हैं, होटल में बैठे बैठे क्या ही कर लेंगे, है ना। तो भैया कितना सुंदर सा होटल है, और ये है टमाडा। पहाड़ों में देखो इतने ऊपर जाके भी इतने बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, देखो फाइव स्टार होटल लग रहा है भाई रमाडा। सारी फैसिलिटी है, देखो वो भी कितना सुंदर है, वो दिख रहा है, कितने अच्छी अच्छी लोकेशन पे होटल है भाई,
थोड़ी धूप में आ गए थोड़ा, अब जाके रिलैक्स मिला। इतनी ठंडी वाला लग रही थी भाई, इतनी ठंडी लग रही थी। हेलो हेलो, अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी है, देखो ये खुद का घर है भाई साहब। पहाड़ों में ऐसा घर कौन ना चाहता यार। भाई क्या सुंदर घर है, ऐसे ऐसे घर होने चाहिए यार। वही आधा घंटा वॉक हो गया हमारा, और अभी बात तो होटल में चलते हैं। और यहाँ आ गया हमारा होटल, मार्बल हिल्स रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट रेस्टोरेंट कह रहा हूँ, मार्बल हिल्स रिजॉर्ट। मैं पहले बोल रहा था मार्बल वैली, वैली नहीं भाई, मार्बल हिल्स रिजॉर्ट है ये देखो। अभी अंदर चलते हैं और तैयार होके खाना खाने की तैयारी करते हैं। देखो भाई क्या चीज है ये लड़की मनीषका, क्या हम फ्रेंड्स हैं ना, फ्रेंड्स हैं ना हम लोग, कल नहीं फूफा साथ फ्रेंड नहीं हो, कल तो बात हुई थी, इतनी बड़ी हो गई है तू, कल तूने मुझे प्रॉमिस किया था हैं, इसलिए नहीं नहीं मनीषका बेटा, कल आपने प्रॉमिस किया था ना फूफा को कि आप हम फ्रेंड्स हैं, हैं फ्रेंड्स नहीं हम लोग, कल तो हमने बोल के बताया अपने मुंह से। अच्छा नहीं बोला, नहीं बोला, ऐसे मत बोलो। अच्छा आप इतने बड़े हो गए हो, नहीं बोला। अच्छा अच्छा ना मेरा बेबी, अरे चलो चलो ठीक, नाराज होगी। अच्छा फ्रेंड्स फ्रेंड्स ओ अच्छा यहाँ बैठ जाओ। भाई नहा धो के हो गए रेडी और अब जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट में हमेशा इतना है, बहुत पुरानी फेवरेट मेरी कौन सी, पूरी भाजी सबकी फेवरेट होती है, मैं ऑल टाइम फेवरेट है वो तो हमारी तो है, पूरी भाजी पराठा हाय हाय सोच के भी इतना मुंह में सब। चलते हैं भाई साहब, आपको ठंड नहीं लग रही? नहीं, देखो भाई सब जैकेट पहन के बैठे हैं, भाई साहब टी शर्ट में जा रहे हैं, कल शाम से टी शर्ट में है ये, तो ठंड है ना भी, तो कितनी बढ़िया धूप हवा रही है। हाँ यार हाँ धूप तो खूब है। चलो भाई चलो 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 अंदर चलते हैं रेस्टोरेंट में। तो भी खाना आ गया, ये सिर्फ पराठा बटर दही बॉयल एग और पूरी भाजी भी आ रही है। सुनील अंडे छील रहा है और बच्चे हमेशा इतना फोन में लगे हुए हैं, देखने में तो मस्त लग रहा है भाई। आगे बताते हैं, तो भाई पपाया और पूरी भाजी फेवरेट, इसको निपटाते हैं पहले। और अभी आ रहे हैं जूस की, और बच्चे खा रहे हैं एग। दिविशा तो भाई खाना हो गया, और रिव्यू लो पहले कैसा था बताओ खाना। पूरी भाजी एक नंबर, पराठे भी अच्छे थे, सबसे अच्छी थी पूरी भाजी, और ब्रेड टोस्ट भी अच्छे थे, अंडे तो अच्छे हैं, सारा अच्छा था। आप बताओ भाई रात का खाना बहुत अच्छा था, अभी का उससे भी अच्छा था। हाँ रूम सर्विस भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है, सफाई भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। हाँ भाई लड़की ये तो देखो किस सोच में बिजी है भाई, गहरी सोच में है भाई, कुछ बहुत ज्यादा सोच रही है कुछ। भल्ला बचाना चाहिए मुझे।
पहचाना अब? पहचान लिया ना? आपको भी फोटो खिंचवानी है? आपको भी फोटो खिंचवानी है? ओ बचगी बचगी बचगी। इधर नीचे छोड़ दे, मैं चिमनी है थोड़ी। ए लड़की लिखेली खत्म होगी। दिविशा मार्केट जाना है? देख देख भाई देख, स्टंट कर रही लड़की। चलो भाई चलो, कहाँ चलेंगे? कहाँ चल रहे हैं? मॉल रोड मार्केट। दिशु कहाँ जा रहे हैं बेबी? मॉल रोड। हाँ कसौली में, कसौली मार्केट जा रहे हैं ना बेटा? हाँ वहाँ से कुछ खरीदेंगे। हाँ बच्चों को दिला देंगे। क्या क्या लोगे वहाँ से? क्या लोगे? क्या लोगे अपना? भूल गए? चलो भाई सफाई कर्मचारी, चलो उतरो। ये देख सफाई कर रही है यहाँ पे। चलो भाई चलो, दिशु चलो। अब देख गिरेगा, एक तो गिरेगा ना। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, बच्चा पार्टी आराम से। चलो 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 चलो, धीरे 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 चलो। हम कहाँ जा रहे हो? मार्केट। चलो भाई चलो। जादू की छड़ी। अभी हम कसौली पहुंच गए मेन मार्केट, और ये वो चर्च है, और हम जा रहे हैं इधर मॉल रोड में। और काफी ठंड है भाई। चलो यहाँ पे पहले ना वो यहाँ पे बहुत सारी शॉप होती थी भाई, मोमोज वाली सब उठा दी। यहाँ दुकान होती थी बहुत सारी। हाँ हाँ सारी उठा दिए, तो सब हटा दी, पूरी लाइन में थी। यही था मेन, यही थी मेन शॉप तो ना। आगे 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 भी है, हैं? से डिफेंस डिफेंस लैंड है, जल्दी हटा दिए। फेमस प्लेस है यहाँ पे मेन, यहाँ पे मेजर ध्यानचंद जी की प्रतिमा लगी हुई है। ये रास्ता ऊपर वाली साइड जाता है अपर मॉल की तरफ, और नीचे नीचे हेरिटेज मार्केट जाता है ये वाला रास्ता। तो हमें नीचे जाना है इधर वाली साइड, क्योंकि ज़्यादातर सारा मॉल रोड नीचे ही है, खाने पीने की शॉप्स वगैरह सारे इधर वाली साइड है। इधर कुछ नहीं, इधर ट्रैक है, तो हम जा रहे हैं नीचे वाली साइड, और मंकी बहुत हैं इधर। तो भाई ये आ गई हेरिटेज मार्केट। तो यहाँ से मतलब शॉप शुरू हैं, तो खाने पीने से लेके घूमने का सारा कुछ मिलेगा इधर। स्टार्टिंग में ही देखो ये शॉप है, हमने पहले इसी से लिया था। वुडन आइटम की शॉप है, हैंडीक्राफ्ट, ये सब कुछ देखो। कसौली क्राफ्ट, देखो ये क्या है, हेडफोन। ये सॉक्स।
हेरिटेज मार्केट कसौली की, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है, आप थोड़ा बड़ा सामान ले सकते हो, खा पी भी सकते हो और घूम फिर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। अभी भूख नहीं, अब तो खाने नहीं वाले, खा के तो आए हैं, जस्ट ऐसे घूम फिर रहे हैं बस मार्केट में। क्या ले दीक्षा? चलो चलो, तो भाई आ गए हम लोग, ये सनसेट पॉइंट है यहाँ का लोकल। ओ भाई वाह जी वाह, अभी तक की जर्नी का सबसे जबरदस्त व्यू यही है भाई साहब। वाह जी वाह, क्या मस्त व्यू है भाई, जबरदस्त। कैसा व्यू लग रहा है यार, इजंट इट ब्यूटीफुल। तीन साल पहले आए थे तब भी इतना सुंदर, हाँ तब शाम को आए थे ना तब और अच्छा लग रहा था, अभी दिन है ना, लेकिन अच्छा है। तो भाई वापस आ गए मार्केट से, तो हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, थोड़ा बहुत घूम लिए, थोड़ी शॉपिंग भी कर ली है, अभी देखते हैं घर जाने की, देखते हैं तो बच्चे यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं, देखो कितने सुपर। और दिविशा, दिविशा की डॉल आई देखो, हेलो दिशा, तो गाड़ी है देखो इधर। तो भाई देखो घूम फिर लिए, अच्छा लगा, मस्त मौसम है, छोटी मोटी शॉप है, छोटा सा मॉल रोड, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है मॉल रोड, यहाँ का नॉर्मल है, छोटा सा मॉल रोड है लेकिन सही है। जाने से पहले हम रुके हैं हवेली में, कुछ खाते हैं, चलो खाते हैं और इनको खिलाते हैं। दिविशा क्या खाओगे भाई? हैं? राइस? मिश्का? ये खाएगी राइस, ये खाएगी फ्रेंच राइस। वाह क्या राइम बनी है, चलो पुश करो आराम से, चलो चलो चलो। अच्छा भाई पीछे, तो भाई क्या खाया जाए नया? मुझे तो कुछ लाइट खाना, लाइट खाना है, ये री लाइट खा ले, धूप और ही धूप। देखो भाई इस व्यू के इस उनको ना मेरे लिए तो दो दाल ले आओ, एक पनीर सुनो तो बड़ा बड़ा, जैसे आप और नहीं आ गए ना, आपने ऑर्डर किया मेरे लिए एक पनीर, एक शाही पनीर, एक दाल मखनी, राइस, चार पांच रोटी।
वही मैं दिखा रहा था ऊपर। ये लेकिन ये है कि भाई इस व्यू के साथ खाना थोड़ा ज्यादा खाया जाएगा, ये तो मजा तो आएगा, टेस्टी लगता है ना भाई। ये देखो कितना सुंदर व्यू है। और मनीषिका मैडम उधर, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं भाई, पता नहीं क्या खाएगी। राइस बना ले, राइस मिर्चा राइस खाने बोल, दाल राइस मंगा लेते हैं और साथ में रोटी मंगा लेते हैं। नूडल्स, हक्का नूडल्स, दीजो बोलो नूडल्स। तो डूडल किसको बोल रहे थे, डूडल नहीं नूडल्स। मनीषिका, ए मनीषिका, और कितनी बिजी हो रही। आओ बेटा इधर आ जाओ, लच्छा पराठा, राइस, पनीर दो प्याजा और दाल अभी आ रही है। हैं आपकी प्लेट है, पापा साथ खाओगे, अपने आप खाओगे। देखो कहाँ बैठी, कहाँ बैठी, अपने आप खाएगी। और इधर इधर चल रहे हैं हक्का नूडल्स, कैसे हैं, खा के भी नहीं बता रही। ये देख भाई लड़की राइस खा रही छोटी सी। तो भाई खाना हमने खा लिया था, खाना हो गया फिनिश और खाना बहुत अच्छा था भाई, सब मज़ा आ गया था, एक नंबर खाना हवेली का। तो उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे, रास्ते में एक फोटोग्राफी पॉइंट आता है आई लव हिमाचल वाला, तो वहाँ लेके जा रहे हैं बच्चों को, खुद भी देखेंगे आपको भी दिखाएंगे। देखो ये रहा सबसे पहले, यही है फूलों को पत्तों को ना तोड़े, घास पर चलना मना है। और ओ देखो कितना सुंदर है भाई, बहुत सुंदर पार्क है पीछे ना, देखो कितना सुंदर लग रहा है, बेस्ट फोटोग्राफी पॉइंट है इस रास्ते में, बहुत मस्त लग रहा है। देखो और इधर कितनी सुंदर वैली है, कितने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं, उन पे लाइट है, इन पे छांव है, तो ये भी एक अच्छा कंट्रास्ट लग रहा है। देखो और देखो आई लव में जो ओ है उसमें पूरे इसकी डिस्ट्रिक्ट्स दिखा रखी हैं, हिमाचल की पूरी डिस्ट्रिक्ट है। देखो लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, मंडी, किन्नौर, सोलन, वाह सही है भाई। ये भी क्या कर ले भाई, ये देख, चल डांसी करो, डांसी डांसी करो, इधर खड़े जा बस, आप भी करो, चम चम करो आप भी। पूरी साफ सफाई मेंटेन कर रखी है भाई, देखो पूरा अच्छे से मेंटेन किया हुआ पार्क है, देखो कितना मस्त है। जो आई लव हिमाचल वाला जो पार्क है, ये बेसिकली अगर हम लोग परमाणु से शिमला वाली साइड जाते हैं तो परमाणु से वो 2-3 किलोमीटर ऊपर है, और जाबली से पहले, मतलब जाबली और परमाणु के बीच में पड़ता है ये पार्क।